वॉक्सवैगन साइकिल ऐसा कुछ किया है, हम आप देख सकते हैं। और दूसरे देखिए, सबसे पहले इसका दूसरे इसको कैसे हैंडल करके इसका फोर सीधा कर देना है, फिर इसका टायर इसके पास पास साथ कर देना है। यहाँ से चार बोल्ट लगा रखे है, इसको बोल्ट खोल के हैंडल जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से यहाँ अच्छे से बोल वो अच्छे से टाइट कर देना। थोड़ा सीट पाइप लेना है, सीट ब्रेक का ये साइड वाला बोल्ट लूज करना है, थोड़ा सा ब्रेक लूज कर देना है। फिर यहाँ पे आगे हम इसको क्विक रिलीज एक्सल बोलते हैं, ये इजी रिलीज होता है, कोई भी रिलीज कर सकते हैं आसानी से। तो एक स्प्रिंग इधर एक स्प्रिंग इधर इधर डाल के इसे टाइट करके इसको व्हील को सेंटर में रख के लॉक कर देना। सबसे पहले जितना हमें ब्रेक रखना है हायर या मीडियम या जितना उतने पर ब्रेक रख लेना है, चेक कर लेना है। फिर जो हमने बोल्ट इसको खोला था सेटअप ब्रेक पकड़ के टाइट कर दिया, खोल के चला के देखना है कहीं टच करता है तो उसको सेंटर में कर देना है। ठीक है, मेरा ब्रेक हो गया, सभी नट बोल्ट चेक कर लेना है। कहीं पे टच करता हो तो
को सीधा कर देना है, नीचे ऊपर का बोल्ट खोल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले ऐसे दबा देना है। सबका 27, 26, 24, 32 ऐसे करके सेंटर में रख के जैसे बैठने में साल पड़े इस जगह को टाइट। सबसे जरूरी बात, सारे नट बोल्ट अच्छे से चेक कर लेना है। पीछे का ब्रेक चेक कर लेना है कि कम है कि ज़्यादा है। सारे बोल्ट अच्छे से टाइट कर स्टैंड नहीं लगा था, स्टैंड भी लगा देता हूँ। वोल्टेड स्टैंड है, इसमें दो वायर सेल आता है,
एक वाइसल बाहर की तरफ, एक वाइसल अंदर की तरफ। अच्छे से टाइट कर देना है। ये हो गया हमारी साइकिल रेडी। इसके बाद क्या करना है, इसका जो कलच होता है वो टाइट कर देना है सीधा करके, और ऊपर हैंडल सीधा करके टब है तो टाइट करके सामने वाला बोल्ट टाइट कर दे। इसमें हवा भरे और साइकिल चलाए। इसमें लगाना चाहिए